अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा। उसके लिए मैंने ब्रेड ले ली है, उसको मैं सर्कल शेप में जो है मैं इसको ऐसे कर दूँगी। ये देखिए, ये साइड का हटा के ये हम ब्रेड को ऐसे काट लेंगे। ये देखिए इस तरह आ जाएगा। ये किसी भी उस पर करके आप, ये ऐसे मैं बना लूँगी। इसी तरह हम दूसरा रखेंगे। आपके पास अगर ग्लास है या कप है आप उससे भी कर सकते हैं। ये देखो, इसी तरह मैं ये सारे बना लूँगी। ये देखिए, मैंने इसी तरह सारे ही कर लिए, सारे सर्कल शेप में मैंने बना लिए हैं। अब हम चिकन लूँगी। चिकन के अंदर अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है चिकन के अंदर। नमक, जर्दे का रंग, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन के अंदर। फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया है। अब इसके अंदर हम सोया सॉस शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। सिरका ऐड करूँगी मैं, वो भी मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी। और फिर हम इसको, अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 मिनट रख सकते हैं। मैं इसको फौरन बना रही हूँ। ये देखिए, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसको पकाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है, ज़्यादा तेल नहीं लेना है हमें। अब ये चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। एक दो मिनट मैंने इसमें कंसर चलाया है। अब इसके बाद इसमें जो हमारा बाकी मसाला इसमें बचा हुआ था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसमें शामिल कर दूँगी मैं। और इसको हम पकाएंगे 5 मिनट तक, ताकि हमारी चिकन जो है वो गल जाए इसके अंदर। जब तक हमारी चिकन पक रही है, हम जो है पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने जो है 2 टेबल स्पून जो है भर के मैंने केचप लिया है। अब उसके अंदर मैं काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि केचप में भी नमक होता है। इसमें मैं केचप के अंदर मैं इसको ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस जो है तैयार हो जाएगा। ये देखें, हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है। अब हम इसको, जो हमने ये ब्रेड के जो हमने सर्कल काटे हुए थे, इसके अंदर हम ये सॉस लगा देंगे। ये मैं अच्छी तरह लगा दूँगी इसके अंदर। और इसी तरह मैं ये सारे ब्रेड में ये सॉस लगा दूँगी मैं। ये देखें, इसी तरह गुस्से में भी हम ऐसे करेंगे। ये देखिए, हमने इस पर भी लगा दिया। इसी तरह मैं सब में लगा दूँगी। ये देखिए, हमने सब में लगा लिया है। ये देखिए, हमारी चिकन भी हो गई है, हमारी पक गई है। बस हम इसको उतार लेंगे। अब मैंने एक स्टील की प्लेट ली है, उसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। इसको मैं लगा दूँगी अच्छी तरह। अब हम इसके अंदर ये ब्रेड रखेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह इसको सेट कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ये मोज़रेला चीज़ जो है ये मैं इसमें रखूँगी सब पे। ये हमने मोज़रेला चीज़ जो है हमने इसके अंदर डाल दी है। अब हम ये चिकन के जो पीस हमने बनाए थे ये हम इसमें रखेंगे। ये देखिए, हमने सब में चिकन लगा दी है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च में एक एक इसमें लगाती रहूँगी। ये देखिए, हमने शिमला मिर्च इसमें सब में लगा दी है। अब हम इसके अंदर एक एक टमाटर के स्लाइस जो हैं वो हम इसमें लगाते रहेंगे।
ये देखिए मैंने टमाटर की स्लाइस रख दी हैं। अब इसके अंदर हम ये एक एक प्याज उठाएंगे और ये भी स्लाइस एक एक करके मैं लगा दूंगी इसमें सारे। ये देखिए हमने सब पे जो है प्याज के जो स्लाइस मैंने काटे थे वो भी मैंने सब में लगा दिए। अब हम इसके ऊपर जो है चीज़ डालेंगे, ऊपर से मैं ये मोज़रेला चीज़ जो है ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये सब में डाल देंगे हम। ये देखिए मैंने सब पे चीज़ डाल दी है। अब हम ऊपर से जो है हरी मिर्च जो है वो मैं इसके अंदर ऊपर से यूँ रख दूंगी, एक एक स्लाइस मैंने काट के। हमने सब में जो है हरी मिर्च की एक स्लाइस मैंने रख दी है। ऊपर से मैं ये कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इसके मैं थोड़ी थोड़ी डाल दूंगी ऊपर से, पतीली में रखेंगे। ये मैंने एक पतीली ली थी उसको मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये दाल रखूँगी, आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड रख लीजिएगा। फिर हम इसके अंदर ये जो प्लेट थी हमारी उसकी जिसमें हमने अपना पिज़्ज़ा रखा था मिनी, ये हम इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए मैंने इसको प्लेट को मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट तक मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए इसके अंदर। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार है, हमने डिश आउट कर लिया है, हमारा मिनी पिज़्ज़ा तैयार है। अब मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।